हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ मी योर फ्रेंड विकास पुनिया। टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू क्लियर सेक्शनल कट ऑफ इन क्वांट। आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक का नाम ही हमने लिखा है कि क्लियर सेक्शनल कट ऑफ। मैंने ये नहीं लिखा कि हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स, बिकॉज इसमें बहुत सारे बच्चे क्या है ना, सेक्शनल कट ऑफ में ही बाहर हो जाते हैं। सो फर्स्ट हम ये देखेंगे सेक्शनल कट ऑफ कैसे क्लियर करनी है, देन यू नो वी कैन बिल्ड अपॉन दैट एंड स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, मेरा स्कोर इसमें सिर्फ 5.25 आउट ऑफ 30 था। सो आप देख सकते हैं कि मैं बेयरली मैनेज कर पा था सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने को। इसके रीजन्स कई सारे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई सेड अर्लियर कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, तो प्रीलिम्स का मैंने इतना ही तैयारी की थी कि आई कुड जस्ट क्लियर सेक्शनल कट ऑफ फॉर ऑल द सेक्शंस एंड आई गेव माई मैक्सिमम टाइम टू द फेज टू प्रिपरेशन। सो आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में और क्वांट में टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं आरबीआई ग्रेड फेज वन में। सो सबसे ज़्यादा जो टॉपिक, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो एक टॉपिक आता है वह डाटा इंटरप्रिटेशन का, जिसको हम DIB बोल देते हैं। आउट ऑफ 30 मार्क्स ये आपको लगभग 10 या फिर 15 मार्क्स के क्वेश्चन इसको देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली अदर टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सीरीज है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये इन दोनों में से जनरली एक का हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कई बार दोनों को भी आ जाते हैं, सीरीज के फॉर एग्जाम्पल 2 to 3 क्वेश्चंस और 2 to 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आई थिंक इस बार दोनों ही आए हुए थे 2022 वाले एग्जाम में। सिमिलरली अप्रोक्सीमेशन और सिम्प्लीफिकेशन है, और इसके अलावा और टॉपिक हैं जैसे परसेंटेज है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट लॉस और AP और GP है। सो अगर आप इन सब टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो मोर और लेस RBI ग्रेड भी फेज वन क्वांट का सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाएगा। बट इसमें रियल जो चैलेंज है वो ये है क्वांट सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने में, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है। दैट विल बी द डिसाइडर कि हम सेक्शनल कट ऑफ कैसे क्लियर करें, कि हमें यह पता चले कि इसमें से हमें कौन सा बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना और कौन सा क्वेश्चन देखते ही हमें सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। अगेन इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, किसी का स्ट्रॉन्ग एरिया DI हो सकता है, किसी का क्वालिटी क्वेश्चन हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। मेरे केस में मैंने DI को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया था काइंड ऑफ। अगर मेरे पास टाइम बचता इनमें से, अगर DI को छोड़ के फॉर एग्जाम्पल सीरीज क्वाड्रेटिक इन सब में से मैं फर्स्ट ये सब अटेम्प्ट करता, इसमें से अगर मेरा कुछ नहीं हुआ है, टाइम बच गया यानी केस, फिर मैं DI पे आता था। इसमें होता क्या है, अगर आपको DI से डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हो और DI बाई चांस अगर हो गई तो फिर क्या है, एक DI में ही आपकी सेंसर कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर DI बाई चांस आपकी नहीं होती है तो फिर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा किसी और टॉपिक पर जाने के लिए। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद अदर टॉपिक्स फर्स्ट। इफ यू हैव मास्टर्ड अदर टॉपिक्स देन यू कैन मूव ऑन टू द DI पार्ट। अभी इसमें से स्टार्ट करने के लिए आपको, इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो सबसे पहले आपको करना चाहिए परसेंटेज वाला जो चैप्टर है। फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन योर कैलकुलेशंस एंड बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल 1/7 कितना परसेंटेज है, 1/8 कितना है, और वहाँ से आप मूव ऑन कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पे। ये सब, ये दोनों टॉपिक करने के बाद आपको मूव ऑन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे और सीरीज पे। सो ये 4-5 टॉपिक हैं, ये बिल्कुल बिगिनर में आप, बिगिनिंग में आप कर सकते हो और ये बिल्कुल मस्ट टॉपिक है। सेकेंड फेज में आप कर सकते हैं परसेंटेज के बाद TSD वाला, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस और APGP। अभी इसमें फॉर एग्जांपल टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रीम एंड बोट वाला है, इसका एक बिल्कुल स्पेसिफिक मेथड्स हैं। इन सब टॉपिक्स को जब आप करोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से आपको सोल्व करने हैं, और वो सब आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, तभी आप इतने कम टाइम में कर सकते हो। क्योंकि क्वांट में बिल्कुल ही आपके पास टाइम नहीं रहेगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, आपको बिल्कुल स्पीड से काम करना पड़ेगा उस टाइम पे ज़्यादा। एक टॉपिक इसमें अलग से आता है पार्टनरशिप वाला, वो भी कई बार अपने को देखने को मिलता है, तो वो भी आपको कर लेना है। सो इसमें मेन चीज़ जो निकल के आती है वो ये है कि आपको क्वेश्चंस
करना कौन सा है और बिल्कुल छोड़ कौन सा देना है, ये आपको पता चलेगा प्रैक्टिस से ही। जब आप स्टार्ट करेंगे इसकी प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, इनिशियली हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि मेरा टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है और किस में कम लग रहा है। अब इसकी प्रैक्टिस जो मैंने की थी, एक्चुअली इस 22 में मेरे पास कोई स्पेसिफिक बुक से मैंने नहीं की, क्योंकि मेरी ड्यूरिंग कॉलेज टाइम मैंने इसमें क्वांटम कैट वाली बुक से ही सब कवर किया था फॉर प्लेसमेंट्स एंड ऑल अदर रीजन्स। सो वहाँ से मेरा बेसिक्स ऑलरेडी कवर था, उसके ऊपर मैंने बिल्डअप किया प्रैक्टिस से ही। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके चांसेस बन जाएंगे। और अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि मैं सिर्फ एम कर रहा था सेक्शन कट ऑफ क्लियर करने को, उसके हिसाब से मैंने इसकी प्रिपरेशन की थी। इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें मेन डिसाइडिंग है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कितने करते हैं, वही इसमें सबसे मेन डिसाइड करेगा आप क्लियर कट ऑफ कर पाते हैं कि नहीं। और दूसरा, ये प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है, मॉक्स जितने आप दे सकते हो उतने दीजिए। आप सेक्शन वाइज मॉक्स भी दीजिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम जब जाते हैं तो हमें क्वांट और रीजनिंग इंग्लिश और उस सब के अलग अलग सेक्शन वाइज मॉक्स मिलते हैं, और उसको एनालाइज कीजिए कि आपके टॉपिक्स कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा नहीं है, किस में आपको काम करने की ज़रूरत है, और उसमें आप एनालाइज ये करिए कि परसेंटाइल आपकी कितनी आ रही है, कि बाकी सब भी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा एनालाइज कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप मेंटेन करिए एक स्पेसिफिक कोई पीडीएफ फाइल या कुछ वर्ड फाइल या कुछ ऐसा कोई नोटबुक में, कि आपकी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल क्वांट में किस टॉपिक में मिस्टेक्स क्या रिपीट हो रही हैं, वो आपको कहीं ना कहीं लिख के रखनी है, और आपको कुछ कुछ दिन बाद उसको देख लेना है कि मेरे को ये मिस्टेक हुई थी और मेरे को रिपीट नहीं करनी है। सिमिलरली जैसे मैंने पहले कहा कि इन सब क्वेश्चंस की एक स्पेसिफिक ट्रिक्स होती है करने के लिए, कुछ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस की, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं नोट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, कि प्लस माइनस आए तो एक्स बड़ा होगा, वाई बड़ा होगा, और उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं मेंटेन कर लेना है, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो आई होप गाइस कि क्लियर है कि जो भी मैंने किया। अगेन एज आई सेड कि मेरे मार्क्स बिल्कुल कम है, तो आई मे नॉट बी द बेस्ट पर्सन टू फॉलो फॉर क्वांट स्पेसिफिकली, बट अगेन दिस इज़ लाइक जस्ट एन ओवरव्यू कि आप कैसे कर सकते हो। ये आपका खुद आइडेंटिफाई करना है कि आपका टॉपिक कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा नहीं है। सो गाइज हमें फॉलो करिए टेलीग्राम पे @thecentralbanker पे, वहाँ पे आपको अभी और भी वीडियोज़ आ रही हैं, टॉपिक बाई टॉपिक वी विल कवर एवरीथिंग। फेज़ 1 का भी हम पहले करेंगे, देन विल कम टू फेज़ 2। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।